आज की जो वीडियो है गहराई से समझना। हम लोग किसी न किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए सोचते रहते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरों से भी पूछते हैं, परंतु फिर भी हम पाते हैं कि हम चाहकर भी उस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की, जो आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपनी बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं। अब बहुत ही गहराई से सुनना मेरे भाइयों। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूं, मैं अपनी सभी बुरी आदतों को खत्म करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम बुरे कृत्य क्यों करते हो? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं बुरे काम करना तो नहीं चाहता, लेकिन ना जाने मैं उन्हें क्यों करता हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम जानते हो तुम उन्हें क्यों करते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध कहते हैं, तुम उन्हें इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उन्हें करने में आनंद आता है, मजा आता है, और जिस चीज को करने में हमें आनंद आता है हम उसे ज्यादा करना चाहते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, ये बात आपको कैसे पता चली? बुद्ध कहते हैं, हम उसी काम को बार बार कर सकते हैं जिसे करने में हमें आनंद आता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, तो बुद्ध, क्या कोई इसका उपाय है? क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ? गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने साथ समाधान लेकर उत्पन्न होती है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने आप को जोर जबरदस्ती करके बदलना चाहोगे, इन आदतों को छुड़ाना चाहोगे, तो ये तुम्हारे दिमाग पर और ज्यादा हावी होंगी। दिन रात तुम्हें इनके सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि जिस चीज को हम दूर भगाना चाहते हैं, अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, वही सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में छाया रहता है। इसीलिए तो तुम सबसे पहले इनका विरोध करना बंद करो और ये स्वीकार करो कि तुम्हें इनसे आनंद मिलता है, मजा आता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, यदि बुद्ध, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा तो इन सभी को मैं छोड़ूंगा कैसे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम किसी चीज को बिना पकड़े छोड़ सकते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, नहीं, जब तक हम किसी चीज को पकड़ेंगे नहीं तो उसे छोड़ नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी तरह जब तक तुम इन अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह से और उसी रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में तुम उन्हें करना चाहते हो और जैसे तुम करते हो जिस वजह से करते हो और इनके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, तब तक तुम इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, तो फिर मैं क्या करूं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, एक और नई आदत बनाओ। वह व्यक्ति कहता है, एक और नई आदत? कैसी आदत बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, ध्यान की आदत। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, लेकिन ध्यान करने में तो मुझे थोड़ा भी मजा नहीं आता बुद्ध, ध्यान तो मेरे लिए बहुत कठिन है। बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए अभी अप्रिय है एक दिन आएगा वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय होगी। बुद्ध कहते हैं, क्योंकि अभी तुम्हें जो भी बुरी आदत है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें उससे मजा आता है। जब तक तुम कोई ऐसी आदत नहीं अपना लेते जिसमें तुम्हें पुरानी चीजों से ज्यादा मजा आए, तब तक वे पुरानी बुरी आदतें तुम नहीं छोड़ सकते। आप समझ रहे हो मेरे भाई? अगर आपको किसी भी आदत से ऊपर उठना है तो जिस चीज के लिए तुम ऊपर उठना चाहते हो उसमें इतना आनंद होना चाहिए कि बाकी की पुरानी चीजें तुम्हारे लिए उससे कम आनंदित हो, क्योंकि इंसान वही चुनता है, वही चीज लगातार कर सकता है जिसमें सबसे ज्यादा आनंद हो। कितनी भी बुरी आदत हो, अगर आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन संभावनाओं की ओर ध्यान देना होगा जो आपके लिए खुली हुई हैं। तभी आप अपनी हर बुरी आदत को छोड़ पाएंगे और कुछ अलग अनुभव कर पाएंगे। अब मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। जिस भाई ने यहां तक वीडियो देखी है, बहुत बहुत आभारी हूं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं
उनका तहे दिल से शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।